हेलो, क्या हाल है? ये देख लो भाई, अभी बारिश रुकी है घंटे पहले, नहीं तो सुबह से इतनी तेज बारिश, इतना तेज तूफान, और वही नेशनल डिजास्टर के मैसेजेस भी आ रखे हैं। अभी नेक्स्ट 3 घंटों में और तूफान आने की संभावनाएं हैं। टाइम देख लो कितना हो चुका है, 3:30। सुबह से बहुत ही हालत बेहाल हो रखी है। अदर वीडियो, आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हूँ आप सबकी जिंदगी में। नेचर का कहर भाई जारी है। आप लोग इंटरनेट पे यूट्यूब पे मनाली की वीडियोस तो देख रहे हो, बट इधर पास में एक मोरनी हिल्स है भाई, उधर भी हाल बेहाल हो रखा है। अभी मेरा एक फ्रेंड कल रात हो गया और लैंडस्लाइड में फंसा फुसा है, बट सेफली भाई वो आ चुका है, हमने उसे रेस्क्यू कर लिया। बट आई थॉट कि क्यों ना भाई उधर जाके देखें क्या सीन है। अब तो मतलब बारिश वगैरह रुक चुकी है भाई, ये देख लो कोई गिर गुर गया मेरे ख्याल से, मीडिया वाले आ रखे हैं। बट हाँ, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, वरना का हाल देखो क्या बेहाल हो रखा है। इसके सेंसर बच जाते हैं यार, पता नहीं, और पंचर भी नहीं है। अभी 23 था 24 हो गया, बट स्टिल अब हवा भरवा लेते हैं, बाहर की साइड आए हैं तो पैंती वैंती करा लेते हैं सब में, फिर चलते हैं उड़ते उड़ते। 30 तो होगी। हाँ भाई उड़ती है, ये तो फैक्ट है। जब हवा भरवा लो अच्छे से, मतलब हवा कम हो तो दब दब के चलती है यार। ये देखो भाई, 2 टायरों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो है। 35-35 कराई थी, इधर 34-34 है, इधर 35-35 है। ओहो, फोकस हो जा, ये देखो। बट ठीक है भाई, चलते हैं, साइन तो हट गया, टेंशन तो खत्म हुई। भाई अभी ना न्यूज आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो चुकी है, ग्लोबल बॉइलिंग शुरू हो जाएगी और आने वाले टाइम में धरती खत्म हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था कि एक बार हमें पता चल जाएगी भाई, इतना टाइम पड़ा है, इस टाइम धरती खत्म हो जाएगी, तो बंदा अयाशी उयूशी कर ले थोड़ा, है ना, सामान सुन अपना, प्रॉपर्टियां प्रॉपर्टियां बेच दे, अयाशी कर ले। बट तभी अभी अभी ना स्ट्राइक हुआ कि पता तो सबको चलेगा, उस टाइम प्रॉपर्टी लेगा कौन है यार, है ना, सोचा जाए। अयाशी तो क्या ही करेंगे, जो विश्वास नहीं करेगा वही लेगा। हाँ वो तो है, सस्ते दामों पे जो विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद प्रेडिक्ट गलत हो गई तो बस वो तो राजा बन गया। और ये कब से आ रहे, 2011-2012 से धरती खत्म होगी। भाई अभी तक तो इधर की साइड कंडीशन ठीक लग रही है, और आगे जाके मेरे ख्याल से बेकार हो सकती है। अभी एक पुल भी गया था, शायद आपने सिनेमैटिक्स में नोट कराओ, उधर तक पानी भर चुका था। अभी तो वाटर लेवल भी कम है क्योंकि बारिश इतनी तेज नहीं हुई है जैसे पहले हुई थी। ओ हाँ, ये देखो भाई, इधर तो कुछ हुआ है, पत्थर पुत्थर मेरे ख्याल से ऊपर से आए होंगे, अभी इन्होंने कर दिए साइड, बट क्योंकि इधर रोड प्लेन होती थी, मिट्टी मुट्टी है इधर। बट अभी आगे चलते हैं यार, इस साइड हो रखी है लैंडस्लाइड। अभी पीछे गया मैं, रिकॉर्ड करना भूल गया। ये देखो इधर भी, ये देखो सारा टूटा फूटा तो हो रखा है, ये देखो तबाही मच रखी है। विंडो डाउन करते हैं, ये देखो पत्थर, ओए होए, ये देखो पत्थर कैसे नीचे गिर रखे हैं। अब तो पहले से बहुत ज्यादा साफ कर दिया इन्होंने, अब तो मनाली के भी हालात धीरे धीरे पहले से अच्छे हो रहे हैं और इधर के भी हो ही रहे हैं। बट इधर की कोई बात ही नहीं कर रहा यार, क्योंकि छोटा इलाका है ना मनाली, तो आपको पता है टूरिस्ट प्लेस है। ये देखो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, इधर तो हॉट शॉट वगैरह होता था सारा। भाई ये ना सामने एकदम कैटल्स आ गए और ब्रेक मारी मैंने भाई, एकदम ही ब्रेक अजीब सी, मतलब कि फेल ही होगी एक तरह से, आप मान लो तो, जैसे कहते हैं ना गियर ब्रेकिंग पे रोकी। पता नहीं यार इसकी ब्रेक्स भी कैसी हैं कैसी नहीं, आवाज देखिए कैसे कड़क सी आई, स्किट सी कर गई, अब आगे देखता हूँ। बट अजीब सी आवाज है, ऐसे तो कभी आई ही नहीं, ऐसे लगा कि बस ब्रेक फेल होगी, गियर डाउन करा। ऑटोमेटिक में यही दुख है, बट मैनुअल में यही सुख है यार। इधर कैटल्स ही बहुत है, अभी आगे कहीं पे ब्रेक वगैरह की मतलब एकदम जरूरत पड़ी ना, जब मैं आपको बताऊंगा। अब देखो भाई 30 पे है ना, पहले रोड ऐसी सी थी ना उधर, अब यार पर कार आ गई, अब मैं ये स्किट तो इतनी तो स्किट करती है नो डाउट, बट जो ब्रेक में से आवाज आई थी ना भाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट ठीक है, अभी आगे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा ब्रेक फेल कैसे हो जाती है इनकी हुंडई की कारों की। और ये देख लो भाई तबाही, ये है तबाही, रोड अभी बनाई है, ये पूरी लैंडस्लाइड हो गई थी इधर, इतनी ज्यादा तबाही हुई थी ना। तो पहले तो वही ब्लैक चारकोल रोड होती थी, अब ये देखो आगे है, ठीक है मैं एकदम ब्रेक मारूंगा। ये देखो ये वाला सीन होता है, कड़क सी आवाज आती है फिर भी आगे जा रही है कार, मैं वो बता रहा हूँ आपको, इसमें तानी क्या है,
इसकी ब्रेक्स में भी। अभी चलो 50,000 वाली सर्विस आने वाली है, तभी इसकी पूरी भाई टेस्टिंग टूस्टिंग कराएंगे सर्विस में ही, कि क्या सीन है, ब्रेक्स वगैरह भी दिखवाएंगे क्या है क्या नहीं। लास्ट टाइम मैंने 30,000 वाली में ना जो डिस्क ब्रेक है उसके रोटेटर्स वगैरह सही कराए थे, बट अब देखता हूँ उनसे टेस्ट भी कराऊंगा। जैसे वीडियो में भी दिख गया है कि कैसे कड़क सी आवाज आती है, उसके बाद भी स्किट खा के आगे चल जाती है ये। अगर कोई एकदम ही आ जाए यार सामने, तब तो समझ रहे हो ना भाई बुरा हाल ही हो जाएगा। तो ये तो वही है, एक तरह से ब्रेक फेल ही है इसकी। हाई स्पीड में तो खासकर, अभी तो 30 की स्पीड में मारी है, ये भी आप माइंड में जरूर रखना भाई, 30 की स्पीड में मारी है तब ये हाल है कि रुक के आगे गई है ये। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. भाई एक महीना भी नहीं हुआ जब हम लास्ट टाइम इधर की साइड आए थे वो सिल्वर प्ले बटन लेके, अब देख लो रोड के हाल क्या हो रखे हैं, बिल्कुल ही तबाही मच रखी है यार, खत्म। और ऊपर से हमारी ब्रेक्स भी खत्म है, मुझे ये टेंशन है ब्रेक्स वगैरह की यार, अभी 1,000 किलोमीटर पड़े हैं, मतलब 49500 है ना, तब मैं सर्विस पे ले ही जाऊंगा इसकी ब्रेक्स वगैरह भी टेस्ट कराऊंगा, बट ठीक है तभी हम आराम आराम से चल रहे हैं। हुंडई में यार वैसे मैंने एक चीज नोट करी है, इनकी ब्रेकिंग में ना दिक्कतें हैं, हुंडई होगी किया होगी पूरी चेसिस ही हिल जाती है इनकी, फिर भी आगे चल जाएगी। और यार मैं भूल गया, भैया ने तो एक्स्टर बुक करा रखे, भैया कहते हैं ऐसा भी होता है क्या भाई, होता है ब्रेक्स वगैरह थोड़ी सी इनकी ऐसी है, पहले तो बहुत इंप्रूव हो चुकी है बट स्टिल अब मुझे रीजन नहीं पता कि आज क्यों हुआ। अब आपके सामने है, ब्रेक मार दी फिर भी कार आगे जा रही है, यार बताओ भाई जब ब्रेक मार दी ना रुक जाए आगे तो मत जाए, कोई इमरजेंसी हो ना, होती है बारिश में होती है वो भी रीजन हो सकता है बारिश में होती है। अब मैं प्लेन रोड पे एक बार मतलब खुली रोड मिल जाए ना जब मार के देखता हूँ, बट यार देखा जाए और भी तो कारें हैं, स्कॉर्पियो कितनी चलाते हूँ मैं ऐसे ऐसी जगहों पे, मतलब वो तो जाम हो जाती है बिल्कुल ही, फिर भी यार। पर मुझे वही लग रहा है अभी 50,000 वाली सर्विस भी आ रही है, क्या होता है इसके डिस्क पैड वगैरह RIP हो चुके हो, बट भाई वो सब छोड़ो अब। I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows. ये इतनी सुंदर जगह होती थी ना, बट देख लो नेचर का कहर। 1x पे करता हूँ, बिल्कुल ही तबाही मच रखी है, लैंडस्लाइड ना बिल्कुल ही लेके चल चुकी है भाई। अभी अभी भी यही हुआ जब भैया चला रहे हैं अब ब्रेक का, क्या आपने एक्सपीरियंस किया? देख लेना पैडल भी ऊपर आ गया, वही कह रहा हूँ कुछ तो दिक्कत है। हाँ अब तो बिल्कुल ही कम स्पीड है, जब 20-30 पे थी बिल्कुल ही, मतलब कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है यार इसमें। अब सर्विस पे ही समझ आएगी क्या दिक्कत है, क्यों ये ब्रेक दिक्कत दे रही है। वो आगे देखो झरना, ये हमने क्यों नहीं नोट किया भाई, ये भाई लोग फोटो तो खींच रहे, ऊपर पत्थर उत्थर आ गया ना दिक्कत हो जाएगी, पूरा एरिया देख लो ये पिलर गिर रखे हैं, ये देखो भाई। थंडरस्टॉर्म आएगा बट सूर्य देवता आ चुके हैं, धूप आ चुकी है, बट मैंने सोचा यार वाइस डिसीजन यही होएगा कि घर ही निकल जाते हैं, क्योंकि इसकी ब्रेक्स पे हम ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते। मोरनी हिल्स का सपना हमारा मोरनी हिल्स का ही रह चुका है, मतलब 10 किलोमीटर बचा था मोरनी हिल्स, बट स्टिल आगे और रास्ते खराब हैं। और अभी सिनेमैटिक्स वगैरह में भी आपने रास्ते देख ही लिए हैं भाई, सिंगल लेन तो हो रखी है, वही है कि अगर ब्रेक्स ही नहीं है कार में ढंग की, मतलब लग तो रही है ऑब्वियस बात है, बट स्टिल स्किट वगैरह खा रही है कभी कभी, नहीं भी लग रही है, मतलब कि समझो ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, इसलिए अब घर की तरफ ही निकलते हैं। देखा जाए हमारे घर से कितने सारे हिल स्टेशन पास है, मोरनी हिल्स जो कि हरियाणा में आता है, हिमाचल भी बिल्कुल ही पास है, कसौली घर से 1.5 घंटा, शिमला 3 घंटा, ठीक है, बट हर जगह तबाही है तो अभी कहीं जा नहीं सकते। ट्रिप वगैरह में तभी प्लान नहीं कर रहा भाई पहाड़ों में, और राजस्थान वगैरह वही बात है गर्मी बहुत है, तो समझ ही नहीं आ रहा ट्रिप प्लान करें तो कहाँ की करें। अगर किसी का आइडिया है हरियाणा के आसपास कोई बढ़िया जगह जहाँ पे हम ट्रिप प्लान कर सकते हैं 1 से 2 दिनों की तो बताना, मोस्ट प्रोबेबली मैं सोलो ही जाऊंगा भाई, कोई है नहीं। बट एनीवे मैं आपको ये बता रहा था भाई, हल्की सी ना हाइप क्रिएट करता हूँ भाई, नेक्स्ट ट्रिप ना इंटरनेशनल होने की संभावना 99.9% है। एक भाई से बात हुई है, वो कहते हैं हाँ चलते हैं, भगवान जी की यार कृपा रही ना वाली ट्रिप क्या था हमारे चैनल के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो भाई। अभी मैंने आपको बोला था इंटरनेशनल ट्रिप, और अभी अभी मतलब कॉल पे बात हुई दोस्त से, कैंसिल हो गया उसका। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सोलो ही करना पड़ेगा यार, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ बट एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा है सामने वाले बंदे के कारण, तो मुझे यही लग रहा है कि लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि भाई सोलो करके खत्म करते हैं, मतलब कि मैं अपना चो पूरा करता हूँ मैं निकलता हूँ भाई, यही हो सकता है। एंड ये देखो भाई आज दोपहर को ना RC आई है, ये पड़ी है पीछे RC, ये देख लो अब गेस करो भाई कौन सी कार की RC है, चंडीगढ़ वाले ही तो वो ये HR में आएगी नहीं, मतलब कि जो मैं कहना चाहता हूँ स्कॉर्पियो की तो ये है नहीं, किसी और चीज की है,
एनी गेसेस? बट एनीवे इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कल ली भाई वरना की सर्विस वगैरह भी करा लूँ, नहीं तो हाईवे वगैरह पे दिक्कत कभी भी आ सकती है ब्रेक से रिलेटेड। बट अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।